हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज, आप लोग देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, मेकअप। तो गाइज, समय बज रहा है शाम का 5 और मेरा शाम को निकलने का टाइम हो गया है। आज मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग नहीं बनाया, आज मैंने शुरुआत अपने शाम से की है। तो चलिए गाइज, ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। इस समय बज रहा है शाम का 5:45 और मैं एकदम हो गई हूँ रेडी, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं वॉक पे। तो गाइस, यहाँ आ गई हमारी संगीता दी, वही हमारा डेली का वॉक, डेली का बॉर्नविटा, डेली का टहला। तो चलिए आप लोग भी चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। हाय करो दी। हाय। चलो नहीं, अच्छा किया। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं, मैं संगीता दी से कहती भी नहीं कि दी माला लाना, और संगीता दी अपने मन से ना माला ले आती है भगवान के लिए। तो दोबारा गई, पता मैंने खाली सोचा और इनको पता चल गया शंकर जी को माला ले। तुमने बुलाया और हम चले। फिर इनका फोन किया, पहले मैसेज आ रहा तो ये देखी नहीं, फिर इनका फोन किया, हमका जल्दी से आ जाओ, नारायण भाभी जी बुला रही हैं, जल्दी चलो, यही मारे धूप में भागत चले आए हम लोग। देख सकते हैं बहुत ही इंजॉय करते हुए, और थोड़ा सोना यहाँ से चुरा के भी ले जाएंगे, प्लीज आप लोग माइंड मत करिएगा। अरे पुलिस भी खड़ी क्या पीछे? ओह माय गॉड, देख लो प्लान बना रहे हैं चोरी वाली बात बता रहे इसी वक्त, मतलब आप बैल मुझे मार है। तो गाइस, ये वाली बात हो गई, आप बैल मुझे मार, महिला ऐसा सोचती है। हाँ सही बात है, वही तो नहीं देती, खैर अच्छा है। अजी हम है ही, सारे पे खिल भी रहा है। अरे अजी हम है ही इतने अच्छे कि हम पे हर एक चीज अच्छी लगती है, इसलिए लोग जले भले हैं। जले तो जले है कि नहीं? अरे आप घूमने के लिए जाती नहीं है? नहीं तो गाइस, ये हमसे कह रही है कि तुम नैनीताल क्यों नहीं जाती हो? कुल्लू मनाली भी, कुल्लू वहाँ इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि बरसात में वहाँ नहीं जाना चाहिए, पहाड़ वहाड़ बहुत गिरते हैं। बरसात में फिर बाद में जाएंगे। नहीं और पता है, वैसे जाओ ना तो तीर्थ भी करियो और घूमना भी हो जाता है, दोनों चीजें। कुल्लू मनाली हमारे, ये देखिए गाइस लड्डू यहाँ, और ये देखिए अपने डॉगी को नहला रहे हैं। क्यों लड्डू? बाय करो, बाय करो लड्डू। लड्डू जानते ही नहीं जैसे। इतनी धूप, मतलब वो है अभी भी। अब बताओ कितने बजे गया घर से निकले? वही तो, कितने बजे आप घर निकले? तो भाई देखिए, यहाँ भी बैठे हुए हमारे भोले बाबा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। गाइस कभी कभी ब्लॉग डालो, व्यूज नहीं आते ना तो इतना दिल टूट जाता है कि मन नहीं करता कि अब ब्लॉग बनाए। तो मैं वही संगीता जी से पूछ रही हूँ कि क्या कभी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ हिम्मत मत हारिए, चलते जाइए, बिल्कुल अपनी राह पे चलते जाओ, ये सब तो होता ही रहता है। हाँ गाइस, मतलब पता है कभी कभी व्यूज नहीं आते ना तो बस ये लगता है सारा बंद कर दो ये सब बनाना। अरे मोटिवेट करते हैं कि आप और करो, आप रुकना नहीं इस टाइम। अब ऐसे साथी होंगे तो गाइस प्रोत्साहन तो मिलता ही रहता है। बिल्कुल, वो नहीं अच्छा कर रही है ना आप, अच्छा कर रही, मान लो नहीं ध्यान दिया किसी ने उस टाइम, ऐसा नहीं है कि आप काफी अपनी रुकी दिखती है उसमें, और आप बस फॉलो करते रहिए और देखिए आप पहुँच जाएंगे। हाँ देखेंगे वहाँ पे। चलो जिस दिन हम यूट्यूबर बन गए तुमको काजू कतरी के 5 डब्बे गिफ्ट करेंगे। सबको बांटूंगी मिठाई की मेरी सही। ओह माय गॉड, देख लो गाइस नजर ना लगे, थू थू थू।
सहेली हो तो ऐसी। चलिए गाइस करते रहते हैं, शायद कभी तो व्यूज आएंगे, कभी तो चैनल वो होगा, जरूर आएंगे कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो गाइस समय हम निकले हुए हैं वॉक पे, आप लोग देख सकते हो, देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी बकरियाँ घूम रही हैं। तो गाइस हम लोग इसी रास्ते से अपने मंदिर जाते हैं, इधर ही हमारा आगे मंदिर पड़ता है, तो इसे मॉर्निंग में नहीं जा पाते हैं गाइस, तो फिर मैं शाम को चली जाती हूँ। कभी कभी होता है कि गाइस मॉर्निंग में नहीं टाइम मिलता है, तो चलिए चलते हैं। पता सुबह में एक बर्फी का पीस मैं ले गई थी, वो मैंने चढ़ाई नहीं, मैं भूल ही गई, वही बर्फी का पीस पड़ा हुआ है, वही चढ़ा दूंगी फिर। कभी कभी नहीं ध्यान रहता, तो गाइस यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता कि प्रसाद ले ले, भूल जाते हैं, बातें करते हुए चले आते हैं। कीर्तन होगा यहाँ पे, आओ जाओ, रखियो जाके अपना। हेलो, कल नहीं आई थी तू? कल हाँ, छोड़ रही थी क्या? आओ। तो गाइस हम अपने आ गए हैं भोले बाबा के मंदिर में, और हमारे छोटे छोटे क्यूट क्यूट से भी सारे बच्चे आ गए हैं। ये रहे हमारे भोले बाबा, संभाल के उठाना बिटिया, देखना लग ना जाए हाथ में, धीरे 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 धीरे। तो गाय के बच्चे देखिए, बाहर गाय के लिए वो लगा हुआ है, उसके उनको पानी भर के पिलाते हैं, फ्री सेवा करते हैं। बढ़ जाने दो, बस ऐसे बाल्टी लो, ऐसे भर के रख देंगे। ले लो ले लो, जाओ। गाइस आज होने आ रहा है कीर्तन, सभी लोग इकट्ठा हैं। ये रहे हमारे भोले बाबा। अच्छा भाई, वाह, हर हर महादेव। तभी हम गए, तीन चार दिन हो गए, आज दिखाई नहीं पड़ रहे। हम लोग उज्जैन गए थे ना। चलो दर्शन हो गए, बढ़िया। और वो सीहोर गए थे। सीहोर भी गई थी? रुद्राक्ष लेने गई थी क्या? मिला रुद्राक्ष? हाँ मिल गए। चलो, समय घड़ी में बज रहा है शाम को 7:15, और मैं बस जस्ट अभी टहल के आई हूँ। तो गाइस पसीना देखिए, देखिए दिख रहा है, इतनी गर्मी है, कुछ कहने को नहीं। कहो आंखों से काजल भेजे, ये देखो सिंदूर लगाया, सब पसीने में बहा जा रहा, इतनी गर्मी है, कुछ कहने को नहीं। पर चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। चलिए गाइस बना लेते अपना खाना। कर लेंगे, कटोचन को निकलने दो, ये बन, हाँ बंद कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे मेरी शाम की हो रही है पूजा, और बस मैं अभी वॉक से आई हूँ, मैंने कहा फटाफट दिया बत्ती कर लेती हूँ। गाइस आज थोड़ा ज़्यादा देर हो गई मंदिर में हम लोगों को। चलिए गाइस बना लेते हैं अपना खाना फटाफट से, लौकी काट के रख लेती हूँ मैं। तो गाइस देखिए सब्जी मैंने छौंक दी है, और इधर आटा सन गया है, बिट्टू ने सान दिया था। और गाइस आज था मंडे का फास्ट, तो वैसे भी मैंने जल्दी बना ली, और एक्चुअली इनको भी जाना था, तो इसलिए जल्दी ही गाइस खाना हम लोगों का बन गया है। तो मैं भी अपना खा के व्रत तोड़ लूँगी, और इनको भी जल्दी जाना है तो ये भी खा लेंगे। यहाँ हस्बैंड जी हमारे तैयार हो गए हैं जाने के लिए, और ये देखिए इनका बैग एकदम रेडी है, और ये अब निकल रहे हैं। कब आओगे? संडे, सैटरडे की नाइट। हाय राम, आज सोमवार को जा रहे हो, सैटरडे संडे में आओगे, पूरा हफ्ता है, बताओ हम कैसे रहेंगे, हैं कैसे रहेंगे बताओ, फोन ऑन कर लेना हमको, ठीक है? ओके। और ज्यादा हमारी याद आए तो खाना वाना खा लिया करना, ठीक है? और ज्यादा याद आए तो फोन पे बात कर लेना। नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ। नहीं जाओ 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 जाओ, देखो जाओ सीधे, चलो टाइम हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ, जाना भी जरूरी है। तो गाइस बस इनकी तैयारी हो गई है, ये निकलने वाले हैं, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वही हम इससे कह रहे थे, ज्यादा हमारी याद आए तो उनको फोन ऑन कर लेना। इनको देखिए, ये है वर्तिका त्रिपाठी, और ये
कैमरा देकर कि इस तरह मुंह छुपाएंगी अपन जाने से कभी व्लॉग ही ना बनाती हूं। मैं व्लॉग बनाना पसंद नहीं है। तो गाइस समय बज रहा है घड़ी में 10:30 और हम लोगों का खाना पीना हो गया है। तो चलिए गाइस अब सोते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फिर जल्दी उठना रहता है गाइस, बच्चों का टिफिन बनाना होता है। गाइस आज मेरी आंखों में काजल देखिए, मैंने थोड़ा ही लगाया था जबकि वो इतना ज़्यादा फैल गया, कुछ कहने को नहीं। तो चलिए गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, शुभ रात्रि। और गाइस सभी लोग मेरा ब्लॉग ना पूरा देखा करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।